हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. एग्जाम्स चल रहे हैं, बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे हैं एंड वेल डन. आपने इंडियन टीम को बूस्ट अप करने के लिए बहुत अच्छे पोस्टर्स बनाए हैं, वेरी गुड. कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी फाइन है तो समझ लीजिए उस पर गॉड के साइन है. अगर आप ज़िंदगी में खुशहाल हैं, दैट मीन्स ये सब आपकी अच्छी जेस्चर्स का कमाल है. अब ऐसे ही खुश रहिए इसी कामना के साथ. लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एपिसोड ऑफ डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल. लेट्स स्टार्ट इट. पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो. क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, अ आ ई ई को हथियार बना कर लड़ना सीखो. आजकल एक पिक्चर बहुत वायरल हो रही है. दिल्ली का एक छोटा सा बच्चा है, कोई सिग्नल पर गाड़ी रुकी, गाड़ी के ऊपर मिस्ट है, फॉग है, और उस बच्चे ने उस पर अपनी उंगली से लिखा ए बी सी डी. और लोगों को देखकर इतना अच्छा लगा कि किसी टाइम पर ये भी स्कूल जाता होगा या कहीं से इसने ये लिखना सीखा होगा. और बहुत सारी एनजीओज आ रही हैं उस बच्चे की हेल्प करने के लिए कि तुम स्कूल जाओ, अगर तुम्हें पढ़ने का इतना शौक है, तुम्हारी पढ़ाई को हम स्पॉन्सर करेंगे. वाओ, काश हर बच्चा पढ़ने की इतनी ही जुनून रखता हो और हर इंसान किसी की मदद करने के लिए ऐसे ही पैशनेट हो. आज भी हमें बधाइयों के इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं डिप्स की अलग अलग ब्रांचेस की तरफ से, क्योंकि जिन बच्चों ने अच्छे पोस्टर्स बनाए, पीपीटीज बनाए, डिप्स मैनेजमेंट की तरफ से उनको बहुत ही प्यारे सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं टू एक्नॉलेज देयर हार्ड वर्क. दिस इज रियली गुड. कहते हैं कि पसीना सूखने से पहले अगर आपको एप्रिसिएशन मिल जाए तो आपके काम करने का जो जोश है वो डबल हो जाता है. आपको पता है, इंसान वही अच्छा होता है जो हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढे, हर चीज़ में खूबसूरती ढूंढने की कोशिश करे. मैं आपको एक बहुत सुंदर पिक्चर दिखाने वाली हूँ. आपके घर में भी रिफाइंड की या कोकोनट ऑयल या किसी की भी बॉटल्स पड़ी होंगी बड़ी बड़ी, क्या आप भी उनसे ऐसी क्रिएटिव चीज़ बना सकते हो? मैं देखना चाहती हूँ कि आपके हाथों में क्या है जादू. इस पिक्चर से इंस्पायर होकर आप भी कुछ ऐसा बनाइए और अपने स्कूल में अपनी फोटोग्राफ शेयर कीजिए. मुझ तक पहुँचेंगी तो मैं प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूँगी. माई डियर चिल्ड्रन, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ बड़ी मज़ेदार शब्द जो सुनकर आपको बड़े अच्छे लगेंगे. आपको पता है आजकल बरसात का मौसम है तो खाने का दिल करता है जलेबी. जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिरपी फनल केक. जी हाँ, सिरपी फनल केक. गोलगप्पों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोलगप्पों को कहते हैं वाटर बॉल्स. पकौड़ों को कहा जाता है फ्रीटर्स. समोसे को कहा जाता है रिजोल. और कचौरी को कहा जाता है पाए. कोई अनियन पाए होती है, कोई पोटैटो पाए होती है ना, आलू और प्याज की कचौरी. देन छाछ को क्या कहा जाता है? लस्सी को बटर मिल्क. घी को कहते हैं क्लैरिफाइड बटर. और खोआ जो होता है उसको कहते हैं कंडेंस्ड मिल्क. वाओ, अब आप जब भी बारिश आएगी आप फ्रीटर्स खाना, आप फनल केक खाना और मालिका को याद करना. मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि पॉलिथीन के ऊपर बैन लगा दो, जो रेडी वाले हैं ना उनसे सारे लिफाफे छीन लो और उनके ऊपर हैवी फाइन लगा दो, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पॉलिथीन में सामान बेचने की. बट अगर ध्यान से देखा जाए तो जो कंपनीज पॉलिथीन बना रही हैं, वो जो बड़े बड़े से व्यापारी जो पॉलिथीन बेच रहे हैं, उनके ऊपर फाइन क्यों नहीं लगाया भाई? उनको दंडित क्यों नहीं किया? ये बेचारे रेडी वालों को क्यों तंग किया जाता है? वैसे मैं एक बात बताऊं, प्लास्टिक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए बन गई है. इसको बनाया गया था हमें फैसिलिटेट करने के लिए. नो डाउट किसी को बर्फ देनी है, कोई सामान लेके आना है, कुछ पैकिंग करनी है, पॉलिथीन बहुत यूज़फुल है. बट इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स कितने हैं? कई सालों तक, कई सदियों तक ये गलता नहीं है, सड़ता रहता है, ज़मीन में जाकर उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको अफेक्ट कर रहा है, समुद्रों में जा रहा है, गटर में जाकर गटर चॉप कर रहा है. तो हमें तो ये बहुत मुसीबत दे रहा है. आपको पता है एक पिक्चर बहुत वायरल हुई है, एक जो छोटा सा क्रोकोडाइल है वो अपनी मामा क्रोकोडाइल को बोल रहा है, मामा रात को ना मैं सोते सोते डर गया. मामा कहते, क्यों, तुमने सपने में भूत देखा था? कहता, नहीं मामा, मैंने सपने में स्ट्रॉ देखा था.
आपको पता है एक वीडियो जो कि नेट जियो पे दिखाई गई है, एक छोटा सा जो क्रोकोडाइल है उसके नाक में से कितने सारे स्ट्रॉज निकाले गए और तब जाके बेचारा ठीक हुआ थोड़ा सा। मतलब कितनी बुरी बात है ना, उनके घरों में जाके हम उनके घर गंदे कर रहे हैं, किसी वेल के पेट में से इतना सारा प्लास्टिक निकल रहा है, किसी कछुए के नाक से स्ट्रॉ निकल रहे हैं, किसी के गले में वो जो फिशिंग वाला कांटा होता है वो फंसा होता है। व्हाट आर वी डूइंग, प्लीज़ एक्ट करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो, थिंक बिफोर यू एक्ट कि हम क्या करने जा रहे हैं, इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, शायद हम ऐसा सोच कर किसी की जान बचा सकते हैं, है ना। वो देखिए कितनी प्यारी बर्ड, सुंदर सुंदर बर्ड, प्यारी प्यारी बर्ड, मैं आपको दिखा नहीं सकती, कैमरा मूव नहीं कर सकते, वहाँ पे भी वो देखो मनोज कितनी प्यारी बर्डी है, पत्तों के बीच बैठी है और उसकी फ्रेंड्स इधर उधर दौड़ रही हैं और वे बेचारी धूप में अपने पंखों को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए यहाँ पर रुकी है। जिंदगी में खुशियाँ बांटने से डबल हो जाती हैं, हम कहते हैं ना बैंक में पैसा डालो तो वो डबल हो जाता है, ऐसी खुशियाँ किसी के साथ बांटो तो वो डबल हो जाती हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने जो टाइनी टॉट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको एक फ्रीडम दी है कि वो डॉग शेल्टर होम में जा सकते हैं, वो ओल्ड एज होम में जा सकते हैं। और बच्चे पता क्या कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ छोटे छोटे जो ओल्ड एज होम्स बने हुए हैं वहाँ पर जाते हैं और जितने भी ओल्ड पीपल हैं उनके पास बैठकर छोटी छोटी राइम्स सुनाते हैं, अपनी बुक्स में से बुक रीडिंग करते हैं, स्टोरीज रीड करते हैं, उनकी रीडिंग प्रैक्टिस हो जाती है, उनकी जो पब्लिक स्पीकिंग की इनहिबिशन है वो चली जाती है और जो बूढ़े लोग हैं जो अकेले हैं वहाँ पर वो खुश हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो डॉग शेल्टर होम है वहाँ पर जाते हैं और डॉग्स बड़े प्यार से सुन रहे होते हैं और वो अपनी तत्लों मतलों में अपनी पोएम्स और अपनी स्टोरीज सुनाते जाते हैं। कितना बढ़िया इनिशिएटिव है ना, है ना, जो अकेले हैं उनको साथ मिल जाता है और जो छोटे छोटे से बच्चे हैं उनको एक बोलने का एक्सपोजर मिल जाता है। ब्यूटीफुल भाई, कहते हैं शब्दों के दांत नहीं होते मगर जब वो काटते हैं ना तो बहुत बड़ा जख्म देते हैं और वो जख्म जल्दी से ठीक भी नहीं होता, तभी तो कहते हैं देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, इसलिए थिंक बिफोर यू स्पीक, जब आप बोलते हैं तो सोचिए कि दूसरे को वो कैसा फील होता होगा, है ना, अगर कोई आपको वैसे ही शब्द बोले तो आपको कैसा लगेगा, इसलिए हमेशा सबको एनकरेज कीजिए, एनकरेजिंग वर्ड बोलिए और इस दुनिया में प्यार बिखेरते जाइए। इसी मैसेज के साथ दिखाती हूँ आपको एक बहुत प्यारी सी वीडियो, देखिए और एंजॉय कीजिए, फिर मिलूंगी, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, रूबिक्स क्यूब्स की प्रैक्टिस करते जाइए क्योंकि लास्ट डेट है 15th August, जैसे आपको अब सर्टिफिकेट मिले हैं तब आपको मिलेंगे कैश प्राइजेस, जी हाँ, फर्स्ट कैश प्राइज इज 2100, सेकेंड वन इज 1100 एंड थर्ड वन इज 500। रूबिक क्यूब्स आपने रिकॉर्ड करनी है अपने बेस्ट टाइमिंग पे और वो रिकॉर्डिंग आपने, वो जो वीडियो है अनएडिटेड वीडियो, आपने ईमेल करनी है अपनी स्कूल की मेल आईडी पे, उसको हम देखेंगे और जो सबसे कम टाइम वाली होगी वो फर्स्ट होगी, उससे ज़्यादा टाइम सेकंड, उससे थोड़ा ज़्यादा थर्ड, सो कीप ट्राइंग। Bye.